बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और भाई यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो आज हम अभी कोचिंग जा रहे हैं तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये हमारी खड़ी बाइक, तो इसको अपनी बाइक और ये रखा अपना हेलमेट, तो इसे उठा लेते हैं। और आज अभी तेल फिलअप करवाना है, बिल्कुल गाड़ी में तेल नहीं रहा है। वो पहले गेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद भैया भाई यहाँ सेंसर वाला नहीं है, सुनता हूँ। मिलेंगे हम कोचिंग में ही, क्योंकि यहाँ से हम निकल जाएंगे कोचिंग, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आज कोचिंग वोचिंग पढ़ने के बाद यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आज भैया ने अभी 1400 रुपये डुबो दिए हैं, उसका कारण ये है कि वो अभी जिम में आप लोगों को दिखा देंगे कि आज हम लोगों ने क्या लिया है। तो जिम में दिखाओगे, अनबॉक्सिंग करेंगे चल के जिम में। तो फाइनली जिम में आ चुके हैं, तो अभी बॉटल में पानी भर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या लिया है। न्यू डिवाइस ओपनिंग, इसका भाई क्या नाम है, हेडसेट बात आ गया। तो यहाँ पर भाई बना रहे हैं आदित्य, देख महक दिखाओ। और फिर भाई तो भाई हल्का बहुत हार्ड है भाई। एक बार इसको यहाँ रखो, हम इसका वो करते हैं। तो भाई वो पीने के बाद अब हम जा रहे हैं कार्डियो करने के लिए, तो भाई आज फाड़ देंगे बिल्कुल, मतलब कैलोरीज इतनी ज़्यादा बर्न करेंगे। तो भाई यहाँ से जिम कर चुके हैं, तो अभी बाहर जा रहे हैं और आज चल के जूस पियेंगे, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और इसके बाद जूस पीना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और ये बॉटल लाइए भाई, गिर ना जाना। तो भाई बाहर आ चुके हैं, जिम फिनिश होने के बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। और हमारी बाइक कहाँ पार्क है, वाह। और यहाँ पर हमारे साथ चैतन्य ब्रो है, चैतन्य शाबास, कब तक तुम। तो भाई यहाँ पर पता नहीं क्यों रोडे पूरी खाली कर दी है, और यहाँ पर एसपी या कोई बड़ा अधिकारी आया, इस वजह से यहाँ की पूरी रोडे खाली कर दी गई थी। अब वापस से चालू हुए, हम लोग तो डर गए थे। तो चलिए यहाँ पर जूस पीते हैं, उसके बाद डायरेक्ट निकल चलेंगे घर। तो गाइज यहाँ से मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे पे, और भाई मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो व्यू आप लोग चेकआउट करिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है। आज हम इतने दिनों बाद, शायद 2-3 महीने हो गए हैं, आप लोग बैकग्राउंड देख के पता अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे, बट फिर भी हमें 2-3 नहीं ज़्यादा ही महीने, मतलब 4-5 महीने हो चुके हैं हम लोग आए नहीं थे। तो आज हम फाइनली अकेले आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए कोचिंग से होके। तो आप लोगों को अभी हमारे पास 1 घंटा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेला ताली का ही ब्लॉग शूट कर ले। चलो मैंने रिवील ही कर दिया, वैसे भी आप लोगों को अभी पता ही चल जाएगा। तो भाई ये देखिए, ये नज़ारा चेक करिए, जितनी बारिश हो रही उतना ही बेला ताली अपना हरा भरा हो रहा है, अब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक टाइम लैप बना दें, बट हमारे पास स्टैंड ना कि कुछ भी लाए नहीं, तो इस वजह से नहीं बनाएंगे। बाकी ऐसा ही देख लीजिए आप लोग, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो इसीलिए हम थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल चलेंगे और कुछ दिखाएंगे चल के। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं टाइम लैप बनाने की। आदित्य के घर पे आए थे तो हम ये लाए थे आदित्य के लिए, मगर आदित्य ने मना कर दिया, तो मैं अकेले ही पी लेता हूँ। बाकी यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा हो रहा है, ला 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 पी ले रहा है। तो भाई आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ। तो आज हम बस पार्क से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी जिस पे हम लोग कभी नहीं आए थे उस पार्क में हम लोग आए, जो कि है ये नया पार्क जिसको बोलते हैं, इसका रियल नेम मुझे नहीं पता अभी। बाकी काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी इसका है जिसमें महक आती रहती है। अच्छा। और अपने साथ जुड़ चुके हैं गोकू भाई, जो कि बहुत ही कम आ रहे हैं व्लॉग में, क्योंकि इनकी शादी तय हो गई है एक लड़की के साथ, वो लड़की नहीं रिवील करेंगे अभी, है ना। बता दो। अरे नहीं, सॉरी गाइस, लाइन काट दूंगा गाइस। और बाकी यहाँ के जो डस्टबिन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, ये देखिए गाइस, यूज मी पाक 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 पाक। तो यहाँ से अब चलते हैं और आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। और अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठने आए हैं, क्योंकि आज हम सोच रहे थे क्यों ना अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना दें। और रात में इसमें फाउंटेन जो भाई नीचे चलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइटनिंग सब कुछ है ना इस वजह से। तो देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे रात में इधर आ पाएँ तो आप लोगों को रात में भी दिखा देंगे।
तो अभी चलते हैं कहीं बैठने के अच्छी जगह देखा जाए। तो मिल गई हम लोगों को अच्छी जगह, यहीं पे बैठते हैं, जस्ट सामने और पूरा व्यू आएगा, और हम तब तक बना देंगे टाइम लैप्स। तो यहाँ पर दूसरा यूज़ भी है, आओ यहीं बैठते हैं। तो भाई यहाँ पर बैठ चुके हैं और यहाँ से कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है हमको। आदित्य कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? भाई गर्मियों में यहाँ पर आए थे, इतनी गंदी महक आ रही थी, बट आज नहीं है, नहीं तो आपके सर्दियाँ चल रही हैं। अरे मतलब अब बारिश का मौसम है तो उतनी महक नहीं आ रही, पहले तो भाई इसमें बैठा ही नहीं जा रहा था। चलिए थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिल। लोग आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी फोर्स थी, तो वहां पर कोई एसपी या क्या था एसपीडीसी तो आया हुआ था, इस वजह से पूरी रोड को जाम कर दिया गया था, मतलब बिल्कुल खाली कर दिया गया था। फिर वो आ गया था, उसके बाद रोड वापस से चालू कर दी थी और हम लोग वहां पर गए थे जूसी पीने के लिए। बाकी यहां से भाई अभी थोड़ी देर और बैठेंगे फिर निकल जाएंगे। और आज के व्लॉग में आदित्य ने एक अच्छी बात बोली कि हमारे व्लॉग में पूरी हरियाली हरियाली दिखेगी गाइस, तो क्या करें भाई, हरा भरा अच्छे अच्छी बात है। अपना हरदोई जो है नेचर से घिरा हुआ है, बस और किसी से नहीं घिरा हुआ, बस नेचर से घिरा हुआ है। और बाकी अभी इसके थोड़े बहुत मतलब न्यू पार्क के थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट डाल देंगे, बाकी कोशिश करेंगे रात में एक दो शॉट निकल जाए। भाई यहाँ के जो रात में जो व्यू आता है वो बहुत ही कीड़ा आता है, तो कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद जिम भी जाएंगे, उसके भी दो तीन शॉट डाल देंगे शॉर्ट ठीक है। और बाकी ये रहा अपना बैग, जो कि ऐसा पहले हम ऐसा जिम वाला बैग लाते थे वो अब नहीं लाते, क्यों? उसकी वजह ये, एक बार यार मैं जिम बैग ले गया एक दुकान पे, तो वो बोला भाई आप किस में जॉब करते हैं, तो दो तीन बार सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो उसी दिन से मैंने बंद कर दिया। और बाकी बादल भी काले काले हो रहे हैं और बाकी हरा भरा है, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज से जब कभी खाली हुआ करेंगे तो यहाँ सो सकते हैं, वैसे आज मौसम भी अच्छा था तो चले आए, वरना धूप होगी तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई छाया वाला एरिया नहीं है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलेंगे, तो आप लोगों को बता देंगे और फिर चल देंगे। तो भाई यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं जिम, क्यों काफ़ी देर बैठ लिया, तो डायरेक्ट आप लोगों को जिम में मिलते हैं।